हाय एवरीवन, सो ये एक नया व्लॉग। इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुर मंदिर, जो बिल्कुल मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने कर दिया इंजन को स्टार्ट एंड मैं लगा लूँगा सीट बेल्ट बाद में। सबसे पहले तो मैं अभी हैंड ब्रेक हटाऊँगा एंड इसे मैं पार्किंग से कर दूँगा ड्राइव में, क्योंकि अभी गाड़ी बिल्कुल पार्क था एंड मेरे को बिल्कुल अच्छे से पूरा लेफ्ट काटना पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसे बिल्कुल बैक करके पार्क करा था। एंड दोनों साइड मिरर्स हैं, तो आप अपने साइड मिरर्स में भी देख सकते हो। जैसे कि ये वाला मेरा लेफ्ट का जो साइड मिरर है, इसमें मैं देख लेता हूँ कि कितना क्लोज है, कितना कॉन्टैक्ट है। अगर बॉडी से कॉन्टैक्ट बिल्कुल है, स्पेस है, तो मैं आगे बढ़ा लेता हूँ मस्त। उसके बाद मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट एंड राइट करके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके फिर गाड़ी को आगे बढ़ा लेता हूँ एंड मेरे को स्पेस मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने कैंपस से गाड़ी को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। एंड सामने में ही मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी दर्शन हो जाता है। ऐसे हम लोग जा भी मंदिर ही रहे हैं, जगन्नाथपुर मंदिर। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अभी निकाल देता हूँ कैंपस से एंड फिर मैं हाईवे पे ले जाता हूँ, फिर मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा। ऑल राइट, सो मैं आ गया हाईवे पर। अभी मैं लेफ्ट हैंड से चला रहा हूँ एंड राइट हैंड से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो थोड़ा रिस्की है आई नो, बट ठीक है, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा ही अभी चला रहा हूँ, हर दिन ही सुबह में चलाता हूँ, तो ठीक है, मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे नहीं चलाना चाहिए, दोनों हाथ से चलाना चाहिए हाईवे पर एटलीस्ट। लेकिन क्या है ना, हाईवेज पर आपको ऐसे आपके लेन डिफाइंड होते हैं। अगर आपको मिडिल लेन में चलना है, मिडिल में चलो, लेफ्ट में चलना है लेफ्ट में चलो, राइट में चलना है राइट में चलो। तो जैसे ये ट्रक है तो ये मिडिल में चल रहा है, विच मीन्स कि इसे धीरे धीरे जाना है। तो अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो भी मैं जैसे लेफ्ट ले लूँगा एंड लेफ्ट से ऐसे हॉर्न देकर मैं ओवरटेक कर लूँगा। नॉर्मली आप इंडिकेटर भी देते हो, बट सिंस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ राइट हाथ से, तो मैं इंडिकेटर नहीं दे पा रहा हूँ। एंड अभी मेरे को ऐसे ही चलाना है 25 किलोमीटर तक। एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो जाता है ऐसे हाईवेज पे चलाना, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसी ये भी एक रीज़न है कि जिसके लिए मैंने फॉर्च्यूनर सेलेक्ट किया था, क्योंकि हाईवेज पे चलाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड पीसफुल लगता है। एंड बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट करो, अच्छे से काटो, मस्त चलाओ, ओवर स्पीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं नॉर्मली 80 से 90 तक ही चला लेता हूँ, 100 मेरा एवरेज कभी कभी रहता है। मेरे अकॉर्डिंग 80-90-100 ठीक है फॉर्च्यूनर जैसी कार के लिए, इससे ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फिर मैं अभी चला लेता हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ पहुँच जाऊँगा फिर वहाँ से मैं वापस रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, ऑल राइट, समय पहुँच गया। काफ़ी ज़्यादा ही ड्राइव करना पड़ा, पर चलो ठीक है, बढ़िया। अभी मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा एंड आपको दिखाऊँगा ये मंदिर कैसा है। काफ़ी ज़्यादा टॉप पर है एंड ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, ये लोग क्यों ऐसे भाग रहे हैं, पर नो वरीज, काफ़ी ज़्यादा बाइक्स भी पार्क्ड है। एंड पहले तो मेरे को लगा कि कहीं ये लोग मेरे ही आगे नहीं भाग रहे हो, मेरे पीछे आई मीन, बट ठीक है चलो कोई नहीं, हो सकता है कोई गेम वेम खेल रहे होंगे, सुबह का टाइम है, नाइस। तो देखो ये रहा मंदिर, अभी मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, इसका व्यू काफ़ी बढ़िया होता है। चलो मैं फाइनली आ गया टॉप पर एंड देखो यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिखता है। बहुत कार्स ऊपर भी आ जाती हैं पर मैं नीचे ही पार्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा टॉप पे लाने का कुछ नहीं है। तो चलो मैं थोड़ा और आगे जाकर इसका व्यू देखता हूँ। यहाँ से पूरा रांची बिल्कुल अच्छे से दिखता है एंड ये बिल्कुल इस हिल स्टेशन का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, फोटोज़ लेते हैं, बिल्कुल ये बुर्ज खलीफा हो गया रांची का, समझ लो। ठीक है, तो नाइस, चलो मैं फिर मंदिर की ओर बढ़ता हूँ। ऑल राइट, सो ये है मंदिर का इनसाइड व्यू, बिल्कुल सुंदर सा दिखता है बिल्कुल, और ये शायद पर्पल कलर से है। एंड अभी मैं अच्छे से दर्शन कर लेता हूँ सभी भगवान का, उसके बाद फिर मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो चलो बाय। चलो दर्शन तो हो गया एंड ये भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट है मंदिर के टॉप से बिल्कुल। यहाँ पे एक और टॉप लोकेशन है एंड सारे यहाँ पे सेल्फीज एंड सब कुछ फोटो वोटो खिंचाते हैं। मैं तो आ गया यहाँ से गाड़ी को देखने, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल मेरा ध्यान रहता है गाड़ी कहाँ है, कैसे पार्कड है। ठीक है, तो चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा। ठीक है, ऑल राइट, सो चलो फिर वापस चलते हैं नीचे, मैं नीचे पहुँच कर फिर कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, सो मैं पहुँच गया यहाँ पे, आप फॉर्चुनर और वैगन आर कंपेरिजन भी देख सकते हो, बट चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा था, बहुत सही व्यू है। अभी मैं गाड़ी में वापस बैठ जाऊंगा एंड फिर मैं वापस से बैक जाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने इसे ऐसे स्ट्रेट पार्क करा है, तो मेरे को वैसे ही उसे बैक करके निकालना पड़ेगा। अभी मैं बैठ जाता हूँ, फिर इसको यहाँ से बैक करेंगे, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। चलो पहले मैं थोड़ा सीट एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा इसे मैं बैक करूँगा ताकि अच्छे से कम्फर्टेबल हो जाऊँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ इनका ट्रेनिंग वेनिंग हो रहा है एंड शायद योगा है या पता नहीं क्या है, बट चलो ठीक है, नाइस, अच्छा था। चलो इसे मैं पहले निकाल लेता हूँ, या चलो मैं ट्राई ही करता हूँ राइट हार्ट से फिर से रिकॉर्ड करने का एंड लेफ्ट से निकालने का। ये देखो ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ध्यान से मेरे को लेफ्ट काटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा राइट से कोई कार तो नहीं आ रही है ऐसे, एंड उसके बाद ऐसे मैं स्ट्रेट निकालूंगा। एंड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीचे है, तो अभी जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे को ऐसे राइट निकालना पड़ेगा और फिर सीधा जाना पड़ेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा डाउन स्लोप है। ठीक है, बट चलो फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो इससे मेरे को ज़्यादा इसमें मैनुअल रहता तो थोड़ा बहुत सोचना भी पड़ता, बट ऑटोमेटिक में इतना नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि वो खुद ही रोक देता है। सो नाइस, अभी मैं इसे स्ट्रेट लेकर जाऊँगा एंड हाईवे पर मिलते हैं।
सो मैं आ गया वापस हाईवे पे, ये सेम हाईवे जिससे मैं आया था, अभी मैं सेम ही से वापस जा रहा हूँ। बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा ट्रिप था। ऐसे ही मैं ट्राई करूँगा नॉर्मली वीकेंड्स के दिन ऐसे सुबह सुबह सोलो ट्रिप्स मार लिया करूँ, ताकि मस्त घूम भी लूँगा, मस्त वीडियो भी बन जाएगा। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मेरे घर के काफ़ी आसपास में ग्राउंड्स है, तो वहाँ जाकर मैं ओनरशिप वीडियोज़ या फिर फॉर्चुनर के कुछ कुछ फीचर्स या कैसे क्या करना है ये सब मैं रिकॉर्ड वहाँ पर जाकर कर लेता हूँ। एंड इससे पहले मैं पी ओ वी वीडियोज़ भी डालता था, तो ये सेम हाईवे था जिससे मैं पी ओ वी वीडियोज़ डालता था। पी ओ वी वीडियोज़ के लिए मैंने एक हेड माउंट कैमरा भी ऑर्डर करा था, तो उससे मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे हेड में ऐसे स्ट्रैप की तरह बांध लेता हूँ, और उसके बाद फिर जैसे ही मैं गाड़ी चलाता हूँ तो वो दोनों हाथ मेरा अच्छे से स्टीयरिंग को रिकॉर्ड कर लेता है। बट चूंकि अभी मैं जैसे ट्रेंड हो गया हूँ, अभी मैं जैसे लेफ्ट हैंड से ही ट्राई करूँगा इस ट्रक को ओवरटेक करने का, जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए, बट ठीक है क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। तो एक तो देखो यहाँ पे टर्निंग है, तो मेरे को अच्छे से हॉर्न हॉर्न मारकर और तमीज से ऐसे ओवरटेक करना होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो अभी मैं कुछ सामान लेने आया था, एंड अभी मैं वापस रोड क्रॉस कर रहा हूँ, वापस जाऊँगा, ठीक है। क्या बोल रहा था ये, तो अभी मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से मैं वापस स्ट्रेट लेकर जाऊँगा एंड राइड करूँगा। ऑल राइट, सो यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही मैंने चला लिया है एंड अच्छे से मैंने व्लॉग में सब कुछ कैप्चर कर लिया। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगा कि मैं कहीं और जाऊँ, कोई दूसरा ट्रिप रखूँगा, मे बी हो सकता है एक और अच्छा लोकेशन है रांची में, काफ़ी ज़्यादा फॉल्स हैं, तो मैं ट्राई करूँगा फॉल्स को कवर करूँ, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से मैं वीडियो को करता हूँ एंड। एंड चलो ये हो गया मेरा फेस रिवील, ठीक है। ऑनेस्टली ये फेस रिवील तो है ही नहीं है, आइज़ रिवील है, बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा मैं कहीं और जाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए चलो बाय।